नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। धन्ना कुबेर नाम आपने सुना होगा, कई बार देखा होगा कि इस तरह के धन्ना कुबेरों के ऊपर रेड पड़ती है इनकम टैक्स की और ईडी की। लेकिन ये मामला थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जिसके घर रेड पड़ी है वो मामूली सा नौकर है, तनख्वाह 15,000 रुपए है, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन ये है कि ये झारखंड के एक मंत्री जिसका नाम आलमगीर आलम है, उनके जो पीए है संजीव लाल, उनका भी आगे नौकर है जिसके यहां पर ये रेड चल रही है। और इस रेड से 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 35 करोड़ रुपए, गिनते गिनते मशीनें थक गई, इंसान थक गए, ईडी के अधिकारी थक गए, लेकिन पैसे खत्म नहीं हुए। अब ये पैसे चुनाव में इस्तेमाल किए जाने थे या फिर ये पैसे रिश्वत के थे, इस मामले की तो जांच ईडी करेगी। ईडी ही बताएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। लेकिन आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि 35 करोड़ रुपए एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से बरामद हुए हैं। और इस नौकर का कहना है, जिसका नाम जहांगीर आलम है, कि मैं महज 15,000 रुपए की नौकरी करता हूं और मेरी नौकरी ये थी कि मैं इस फ्लैट में रखे हुए इन पैसों की देखभाल कर सकूं। नोटों की भी देखभाल करने के लिए नौकर रखने पड़ते हैं, पैसों की देखभाल करने के लिए नौकर रखने पड़ते हैं। और ये सब किसके घर होता है? मंत्रियों के घर, नेताओं के घर, बड़े बड़े लोगों के घर। हमारे और आपके घर में इतने पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि हम ना तो दो नंबर का काम करते हैं, ना ही हमें दो नंबर में कोई पैसे देकर जाता है। ये लोग दो नंबर का काम कितने खुले हम करते हैं, ये आपके सामने है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो जहांगीर आलम है उसको ईडी ने गिरफ्तार किया। मौके से ईडी को सूचना मिली थी कि 2 BHK फ्लैट जो कि रांची में स्थित है, झारखंड के एक मंत्री हैं, उनके जो पीए हैं, उनके आगे नौकर के घर में ये 35 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो जांच है, ये जांच ईडी पिछले लंबे समय से कर रही है। और इसी जांच में एक इंजीनियर है कुलदीप मिंज और विकास कुमार, और ठेकेदार है मुन्ना सिंह, इनके ठिकानों पर कुछ समय पहले ईडी ने छापेमारी की थी। उस छापेमारी में ईडी को काफी अहम सबूत मिले थे, जिसके बाद रांची के इस घर में कल रेड की गई और उस रेड में 35 करोड़ रुपए बरामद हुए। इन पैसों की गिनती करने के लिए कई बैंकों की जो मशीनें हैं वो मंगवाई गई, कई लोगों को लगाया गया, तब जाकर ये पैसे गिने गए। आप सोचिए कि जब ये नेता आपसे वोट मांगने आते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, आपको गले लगाते हैं, तो आपको कहते हैं कि मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपकी तकदीर बदल दूंगा। लेकिन वो नेता 5 साल में अपनी तस्वीर, अपनी तकदीर, अपनी किस्मत सब कुछ बदल देता है और आप फिर से 5 साल बाद ऐसे ही एक नेता को अपने पैरों में गिराकर उसे आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कर और ये कहते हैं कि जाओ, हमने तुम्हें आशीर्वाद दिया, तुम जाते जाते करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, खरबपति बन जाओ। जो बेचारे आम लोग हैं 1947 से आज तक वैसे के वैसे हैं, ना वो धन्ना कुबेर बने, ना उनके पास करोड़ों रुपए आए, ना उन्हें किसी ने करोड़ों रुपए दिए। फिलहाल आपने देखा कि झारखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है, झारखंड के पहले भी इस तरह के बहुत सारे मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, नेताओं के, अफसरों के, आईएएस आईपीएस के छापे मारकर वहां से करोड़ों रुपए मिलते रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है और जाहिर तौर पर यह आखिरी मामला भी नहीं है। इस मामले पर आप क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर गहरा हमला कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। वहीं झारखंड के जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन, उनका कहना है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी वह ना तो वो टीवी देखते हैं, ना वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है आईबीएन 24 की खबर देखकर झारखंड के मुख्यमंत्री को पता लग जाए कि ईडी ने कितने पैसे बरामद किए हैं। हालांकि ईडी की जांच के ऊपर, ईडी के छापों के ऊपर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि ये छापे, ये जांच विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर होती है, ना बीजेपी के किसी नेता के ऊपर होती है, ना बीजेपी के किसी मंत्री के ऊपर होती है। जिसके ऊपर भी जांच होती है वहां से पैसे जरूर मिलते हैं, क्योंकि वो नेता विपक्षी पार्टियों के हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने आखिरी बार इतने पैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर कब देखे थे, क्योंकि घर में तो आपके भी इतने पैसे नहीं होंगे। धन्यवाद।